नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हिल स्टेशंस पर भारी भीड़ और बिना मास्क के लोग घूमते आपको नजर आ जाएंगे और ये तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री को भी डरा रही हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता के बाद अब पाबंदियों को सख्त किया जा रहा है, लेकिन खतरा सिर्फ हिल स्टेशंस पर ही नहीं है बल्कि शहर शहर लापरवाही का वारिस तीसरी लहर का न्यौता बन रहा है। ओवैसी की यह चुनावी तकरीर तबाही की तस्वीर न बन जाए, यूपी का चुनावी शंखनाद तीसरी लहर से सब कुछ बर्बाद न कर दे। कोरोना काल में इस भीड़ को देखकर यही डर लगता है। ये डर देश की सरकार को और देश के प्रधानमंत्री को भी लगता है, मगर असदुद्दीन ओवैसी को इसकी परवाह नहीं। यूपी के बहराइच में ओवैसी पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान हजारों की भीड़ इस छोटी सी जगह में इकट्ठा हुई तो कोरोना की सारी पाबंदियां तार तार हो गईं। गौर से देख लीजिए, इंसान पर इंसान सवार है, एक तो तिल रखने की जगह नहीं, उस पर मास्क नदारद। तभी तो विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद की पहली ही बैठक में देश के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा, पिछले कुछ दिनों से हम सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं। यह अच्छा नहीं है, इससे हमें डरना चाहिए। मसूरी के केम्प्टी फॉल का ये वीडियो भी सरकार को डराता है। जब कोरोना का वायरस आसपास हो और फिर से सिर उठाने लगे, तब ऐसे वीडियो वाकई डराते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन नींद से जागा। अब मसूरी के केम्प्टी फॉल में एक बार में 50 टूरिस्ट ही जा सकते हैं और वो आधे घंटे से ज्यादा वहां नहीं रह सकते। वहीं पर्यटकों की तादाद को काबू में रखने के लिए चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि थोड़ी सी चूक कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है, दूसरी तरफ इन हिल स्टेशनों पर आने वाले टूरिस्ट मास्क तक पहनने को तैयार नहीं। रोहतांग पास में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे, इनमें से ज्यादातर ने मास्क नहीं लगा रखा था। जब हमने उनसे इसकी वजह पूछी तो उनका जवाब सुनिए। कोरोना तो जब पंजाब में थे तभी नहीं हमने माना कोरोना कोई चीज है, जब कोरोना था तभी जिंदगी जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं, जीने आए हैं, अभी आगे और जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे, मतलब कि जहां आगे ऐसा पता चल रहा है कि पंजाब में क्या है, कुछ नहीं है। बस कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, उसे डर लग रहा है? कुछ डर नहीं है, डर लग रहा था तो घर में बैठे होते। डर फैला हुआ कि भाई कोरोना की तीसरी लहर आएगी, आपको नहीं लग रहा डर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो मास्क भी नहीं पहना, मास्क को बस लहर आएगी। हम तो आपसे सुन रहे की तीसरी लहर आएगी। आएगी नहीं? नहीं आएगी, हमें तो नहीं लगता कि आएगी। और कुछ फर्क नहीं पड़ता अब तो। सुना आपने, ये तो आम लोग हैं। अब मास्क से दूरी रखने वाले एक डॉक्टर की दलील सुनिए। सर डर तो क्या, बस लोगों को थोड़ा समझ के संभल के चलना चाहिए, बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डर तो कोरोना है, आफ्टर 50 एज के बाद लगता है। नहीं, अच्छा 50 के बाद ही लगता है? 50 के बाद ही लग रहा है लोगों को। अब देखो हम सब जवान घूम ही रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं नहीं, पर तो आप तो डॉक्टर हैं, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए बस। पर आप तो डॉक्टर हैं, आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। सर अब क्या करें, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन कितनी कमी है, मास्क लगा के क्या करें बताओ। पहले ही इतनी ऑक्सीजन की कमी है, मास्क लगाएंगे और ज्यादा। चलिए आप डॉक्टर हैं सर, तीसरी लहर का खतरा आ रहा है, आप बताइए लोगों को क्या एडवाइस देंगे? सर बस थोड़ा सा ये है कि डिस्टेंस बना के चले। और सर मास्क की बात, सर जो अभी आपने मास्क लगा रही है, ये भी मास्क नहीं, ये भी रेस्पिरेटर बोलते हैं इसको। मास्क तो सर दूसरा होता है, इसके 125 ट्रिलियन माइनस में होते हैं जो अपने वायरस होते हैं, अब ये वायरस तो रोकता नहीं है। इतनी जानकारी है तो डॉक्टर साहब कम से कम खुद वो मास्क पहन सकते थे जो वायरस को रोक ले, लेकिन जानकारी बचाव की नहीं पाबंदी तोड़ने की है। ऐसी ऐसी दलीलों से ही सरकार को डर लगता है और प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, छोटी सी चूक के भी गंभीर नतीजे होंगे और ये गलती महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है। मगर लापरवाही कहीं एक जगह हो तो समझें, यहाँ तो वैक्सीनेशन सेंटर ही कोरोना एपिसेंटर बनने पर तुला है। ओडिशा के गंजम की ये तस्वीर डराने वाली है। बेहिसाब भीड़, मारामारी और महिलाओं की एक बड़ी तादाद जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा है। एक तरफ सरकार 23,000 करोड़ का पैकेज लेकर आई है, दूसरी तरफ इन लापरवाहियों से लड़ाई है। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा और रोहतांग में मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और दूरी जहां बहुत जरूरी है, वहीं वैक्सीन भी एक बड़ा हथियार है। लेकिन देश के कुछ बड़े शहरों में आज वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं, बंद था। अहमदाबाद हो, मुंबई हो, जहां पर वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है और टीकाकरण को रोकना पड़ा।
अहमदाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर बंद, मुंबई में भी वैक्सीन नहीं, आज टीकाकरण बंद है। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, जिसकी एक नहीं कई वजह है। गुजरात बीजेपी शासित राज्य है, वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष की अघाड़ी सरकार है, लेकिन दोनों राज्यों में वैक्सीनेशन बंद है। वजह कुछ और नहीं बल्कि यही है कि वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन की किल्लत लगातार देखी जा रही है। आज एक बार फिर से पूरे मुंबई में कोई भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस वक्त हम मुंबई के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़ा हुआ है। काफी सारे लोग हैं, लगातार आते जा रहे हैं वैक्सीन के लिए, उनका सेकेंड डोज है, किसी को फर्स्ट डोज लेना है, लेकिन यहाँ पर इनको कहा जा रहा है कि आज वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वैक्सीन की किल्लत हो गई? 21 जून को जिस दिन केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी संभाली, उस दिन सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड बना था। 21 जून को सबसे ज्यादा 90,86,414 लोगों को टीका लगाया गया था, लेकिन 6 दिन बाद ही रफ्तार बेहद सुस्त हो गई। 27 जून को महज 17,15,921 लोगों को टीका लगा, वहीं 30 जून को रफ्तार थोड़ी बढ़ी और 27,54,314 लोगों का टीकाकरण किया गया। 8 जुलाई शाम 7 बजे तक 36,08,000 वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन की कमी की वजह अब ये नहीं कही जा सकती कि लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। मुंबई के BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग आ रहे हैं, लेकिन टीकाकरण न होने से उनके हाथ मायूसी लगती है। यहाँ पे अभी बोलते डोज है ही नहीं, बंद है बोलते सब। आपका कौन सा दूसरा डोज है? हाँ दूसरा डोज सर। मिलने में, दूसरा डोज मिलने में काफी दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यही हो रही है कि आओ आ जाओ बुलाते डेट देते, उसके बाद में इधर आओ तो बंद है बोल के लिखा रहे। कल भी आए थे नहीं है करके बताया, तो आज फिर से बुलाया, मैं अंदर गई थी, बोला सुबह आ जाओ आप 9-10 बजे तक। आपको बोला था आने के लिए? बोला था, अभी नहीं है करके बोल रहे हैं। अभी वो बोलते अभी नहीं है, अभी ये पहले अपॉइंटमेंट ले लो फिर आओ, अभी एक दिन छुट्टी ले ऑफिस में से, ठीक है बॉस ने बोला डाल के आ जाओ। अच्छा, फिर वापस छुट्टी लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम होता रहेगा ऑफिस। अभी पहले लिया था मैं, अभी सेकंड डोज के लिए आया मैं। BMC के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें केंद्र से वैक्सीन का ताजा स्टॉक नहीं मिला है। उधर अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन ठप है। यह अहमदाबाद का टैगोर हॉल वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ भी वैक्सीनेशन बंद रहने का बोर्ड लगा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर को समय से दूसरी वैक्सीन लगानी है, लेकिन ना उम्मीद होकर लौटना पड़ रहा है। ये मेरा सेकंड डोज है एक्चुअली, और मैं 2 जगह जाके आई और मुझे ऐसा बताया कि टैगोर हॉल में वैक्सीन मिलेगा, बट यहाँ आके अफसोस हुआ कि यहाँ भी वैक्सीन आज नहीं है। और मैं एक्चुअली काम करती हूँ और टाइम निकाल के आई हूँ यहाँ वैक्सीन लेने, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। परेशानी होती है, अभी हम टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं वैक्सीन लेने, यहाँ बोले के वैक्सीन नहीं है, खलास हो गई, और आएगी तो देंगे नहीं तो वापस भेजेंगे। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि उसने राज्यों को 38 करोड़ 18 लाख डोज वैक्सीन दे रखी है। आज भी उनके पास और निजी अस्पतालों के पास 1 करोड़ 70 लाख डोज मौजूद हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान लगातार कम वैक्सीन की शिकायत कर रहे हैं। कम्प्लीटली फेलियर है, और एक तरफ जो है प्रधानमंत्री जी और एक तरफ केंद्र सरकार के सारे मिनिस्टर जो है उत्साह मनाते हैं कि हमने एक दिन में इतने सारे वैक्सीन जो है इस देश में देने का काम किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसी देश में जो हमारे कितने सेंटर्स हैं, चाहे मुंबई में, पुणे में, कोल्हापुर में, नासिक में, ये कितनी बार बंद रहेंगे, कितनी बार लोग वहां पे आके अपना लाइन लगाएंगे कि भाई उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है प्री कि आपको ये दिन दिया जाएगा, और कितनी बार इस तरीके से लोगों को परेशान किया जाएगा। वैक्सीनेशन के बारे में तो कुछ राज्य हमेशा आलोचना में ही रहे हैं शुरू से, वैक्सीन आने के बाद भी वो आलोचना रहे कि नहीं अभी तो हम नहीं लेने वाले, अभी तो ट्रायल ही चल रहा है, और वही राज्यों ने फिर बाद में बोलना शुरू कर दिया कि देखो अभी तो मिल ही नहीं रहा है। तो ये राजनीति का विषय नहीं है, ये महामारी में हमें सबको एक दूसरे को मदद करनी है। केंद्र सरकार का दावा है कि वैक्सीन की 23 करोड़ 80 लाख डोज जल्द ही आने वाली है, राज्यों को वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
मुंबई से सौरभ वक्तानिया, दिल्ली से मिलन शर्मा और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच भीड़ जिस तरीके से बेकाबू होती जा रही उसी को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सवाल भी उठाया कि क्या हम खुद तीसरी लहर को न्योता नहीं दे रहे हैं। बहसा भीड़ जिस तरीके से हो रही है, चाहे वो बाजारों में हो, मैदानी इलाकों में हो या फिर पहाड़ों पर, क्या हम तीसरी लहर को आमंत्रण नहीं दे रहे हैं? तो इसी को लेकर अब चेतावनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि नियमों का उल्लंघन ना हो और नियमों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, चेहरे पर मास्क बेहद जरूरी है और टीकाकरण भी उतना ही जरूरी है। कोरोना के नियमों को जो तोड़ रहे हैं, नियम तोड़ने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच चिंता भी है कि इस भीड़ की वजह से क्या हम तीसरी लहर को न्योता तो नहीं दे रहे। कैंपटी फॉल की तस्वीरें देखिए, जिसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने भी हैरानी जताई थी कि हम अभी भी कोरोना काल में हैं, वायरस पूरी तरह से गया नहीं है, लेकिन ऐसे में लोगों की लापरवाही जिस तरीके से सामने आ रही है। हालांकि इसके बाद यहां प्रशासन ने एक्शन लिया है, 85 लोगों को जाने की इजाजत होगी एक बार में। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। राजस्थान के करौली में अमावस्या के मौके पर श्री राधा मदन मोहन मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। भारी भीड़ के बीच दूरी का कहीं कोई ख्याल किसी को नहीं रहा। ज्यादातर लोग मास्क में नजर आए, लेकिन रही सही कसर उन लोगों ने पूरी कर दी जो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर मौजूद थे, दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई इंतजाम था ही नहीं। हालांकि बाद में गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों को दर्शन की इजाजत दी गई, लेकिन ऐसी भीड़ भाड़ में कोरोना फिर से सर उठा सकता है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।